सुरेश शहर जाकर एक कंपनी जाता है और वहां कार दिखाता है। उसे वहां काम मिल जाता है। सुरेश दिन रात मेहनत करता है। उधर काजल बहुत परेशान होती है। वो सुरेश को बहुत ढूंढती है पर सुरेश कहीं नहीं मिलता। उसके दोस्त यहां तक सोच लेते हैं कि शायद सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर काजल को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं पर काजल सुरेश से मिल नहीं पाती। आखिर कुछ महीनों बाद काजल को भी लगने लगता है कि शायद सुरेश अब इस दुनिया में नहीं है। उधर सुरेश खूब मेहनत करता है। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद सुरेश खुद का व्यापार शुरू करता है। सुरेश को बहुत जिद होती है कि उसे अमीर बनना है। आखिर सुरेश 2 साल बाद अमीर बन जाता है और एक दिन सोचता है, अब मैं काजल के लायक हो गया हूँ। 2 साल बाद आज वही वैलेंटाइन डे होता है। आज सुरेश काजल का रिश्ता मांगने जाने की सोचता है और वहां से निकल जाता है। जब सुरेश काजल के घर जाता है तो सुरेश काजल को किसी लड़के के साथ देखता है। दोनों जा रहे होते हैं और काजल मांग में सिंदूर लिए होती है। सुरेश ये देख बहुत टूट जाता है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। सुरेश पलट कर वापस जाता है। तभी रास्ते में उसे उसके दोस्त दिखते हैं। सुरेश को रोता देख वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ। सारे दोस्त एक रेस्टोरेंट जाते हैं और सारे बैठे होते हैं और उसका दोस्त उसे पूछता है कि इतने दिन कहाँ था। सुरेश कहता है, अब इन सब बातों का क्या करना, जिसके लिए गया था अब वो ही जिंदगी में नहीं रही तो क्या करूं अब ये सब बातें बताकर। हाँ, काजल की शादी हो गई है पर उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो 1 साल तक तेरा वेट कर रही थी पर तूने ही ना कुछ बताया ना कुछ कहा और एकदम से चला गया और हम तो यही सोचते रहे कि तू इस दुनिया में नहीं है। छोड़, अब क्या कर सकते हैं। तभी वहां वेटर अनाउंस करता है कि आज वैलेंटाइन डे पर सारे लोगों को बिल माफ है और कहता है, आज इस रेस्टोरेंट के ओनर की वेडिंग एनिवर्सरी है, सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमित कपूर एंड काजल कपूर। काजल को देख सुरेश एकदम शॉक हो जाता है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से उठकर चला जाता है। पर काजल उसे देख लेती है और फिर ये एक अधूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।